दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि सुबह सुबह लोगों का मन काफ़ी संस्कारी रहता है और शाम होते होते इस मन में उदंड मचना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखना, रात को व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी वीडियो भेजने वाले व्यक्ति सुबह के वक्त अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर बड़ी ही अद्भुत ज्ञान की बातें लिख डालते हैं। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले मैंने फ़ोन में एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा जिसमें लिखा था, बनना है तो वृक्ष के समान बनो जो खुद धूप सहकर भी हमें ठंडी छाया देता है। वैसे सुबह के वक्त लोग ज्ञान की बातें क्यों फैलना शुरू कर देते हैं, ये एक अलग ही शोध का विषय है। किंतु मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया है कि इन ज्यादातर ज्ञान की बातों में अज्ञानता छुपी हुई होती है। हम उन बातों को गौर से नहीं समझते, इसलिए हमें यह ज्ञान लगता है। जैसे कि पेड़ों द्वारा धूप सहन करके छाया देने की ही बात को ले लीजिए। असल में यह केवल किसी कवि की कल्पना ही है कि पेड़ धूप को सहते हैं। वास्तव में जितनी जरूरी हमारे लिए छाया है, उससे कहीं अधिक जरूरी पेड़ों के लिए धूप है। वस्तुतः पेड़ पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऐसा हमें प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है, किंतु फिर भी हम पेड़ों की धूप सहने की बात को ज्ञान की बात मानते हैं, जो वास्तव में अज्ञानता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सदैव धूप रहने से पेड़ों को लाभ होता है। दरअसल पेड़ों को नमी की भी आवश्यकता पड़ती है और अधिक धूप पेड़ों के साथ साथ जमीन की नमी को भी सुखा देती है, जिस कारण पेड़ मुरझाने लगते हैं। यानी एक संतुलन होना आवश्यक है। जितनी आवश्यकता पेड़ों को नमी या पानी की है, उतनी ही आवश्यकता धूप की भी है। नासा ने पिछले दिनों अपने सैटेलाइट इमेज की जांच करके ये बताया कि अमेजोन के जंगल ग्रीष्म ऋतु में कहीं अधिक हरे भरे हो जाते हैं, जिसका कारण साफ है। ग्रीष्म ऋतु में इन पेड़ों को धूप मिलती है, क्योंकि अमेजोन के जंगल पूरे वर्ष भारी बारिश से गुजरते हैं, इसलिए सदा बादलों के मंडराने के कारण यहाँ मौजूद पेड़ पौधों को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो पेड़ों को धूप की कमी नहीं रहती, जिस वजह से हरियाली छा जाती है। वहीं दूसरी ओर जिन स्थानों पर वर्षा सिर्फ एक खास मौसम में ही होती है, जैसे कि उत्तर भारत में गंगा जमुना का मैदानी इलाका, यहाँ पेड़ पौधे बारिश के मौसम में अधिक हरे भरे मिलेंगे, क्योंकि बारिश से पहले महीनों तक चलने वाली गर्म हवा पेड़ों से बहुत सारी नमी सोख लेती है। ऐसे में बारिश की नमी पेड़ों में नए प्राण फूंक देती है। वैसे हम जानते हैं कि इंसान या अन्य जीवों की तरह पेड़ों की वृद्धि एक उम्र पर जाकर नहीं रुकती, बल्कि पेड़ पूरी उम्र वृद्धि करते हैं। किंतु पेड़ पौधों के बारे में हुए वैज्ञानिक शोध ये सिद्ध करते हैं कि जो पेड़ जितना बूढ़ा होता है, वो उतनी ही तेजी से वृद्धि भी करता है। ऐसा होना काफी अजीब बात है और इस तथ्य पर यकीन किया जाना भी मुश्किल है, क्योंकि छोटे पेड़ हमें हर वर्ष बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि बड़े पेड़ तो उतने के उतने ही रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इसे दृष्टि भ्रम मानते हैं। जैसे कि यदि आप एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख दोगे तो आप ईंटों की ऊंचाई में वृद्धि को साफ तौर पर देख सकते हो। वहीं यदि वही ईंट आप किसी 10 मंजिला इमारत पर रखाओ तो उस इमारत की ऊंचाई में आपको कोई वृद्धि नजर नहीं आएगी। वस्तुतः यही हाल पेड़ों के मामले में भी है। बड़े पेड़ अधिक तेजी से बढ़ते हैं, किंतु हमें छोटे पौधों में ही अधिक तेज वृद्धि होती दिखाई पड़ती है। दोस्तों, पेड़ों में वृद्धि करने की क्षमता भी बड़ी ही अनोखी होती है। पृथ्वी पर छोटी झाड़ियों के रूप में पौधे उगना कब शुरू हुए, इस बारे में पक्के तौर पर नहीं जाना जा सकता, किंतु विभिन्न शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि मजबूत तनों जैसे पेड़ भी पृथ्वी पर कम से कम 36 करोड़ साल पहले ही उगने शुरू हो गए थे। पेड़ों को थोड़ी सी नमी और धूप चाहिए, फिर ये कहीं भी उग सकते हैं। यहाँ तक कि किसी जीव के शरीर में भी पेड़ों को उगते हुए देखा गया है। ये तस्वीर एक खोजी फोटोग्राफर द्वारा ली गई है। यहाँ एक गिलहरी मरी हुई पड़ी है। जब कुछ समय बाद वो फोटोग्राफर फिर से स्थान पर वापस लौटकर आया तो उसने पाया कि इस गिलहरी के शरीर को भेदते हुए एक पेड़ उग आया है। अंदाजा लगाया गया कि इस गिलहरी ने किसी वृक्ष के बीज को खाया होगा, किंतु इससे पहले ये गिलहरी उस बीज को हजम कर पाती, गिलहरी की मौत हो गई और इसके पेट में पड़ा हुआ बीज पेट को फाड़ते हुए उग गया। यानी एक पौधा किसी सड़ते हुए शरीर से भी पोषक तत्व एवं नमी निचोड़कर वृद्धि कर सकता है। दुनिया भर में कई पेड़ पौधे तो ऐसे भी पाए जाते हैं जो सीधे तौर पर मांस का भक्षण करते हैं। ये पौधे कीट पतंग निगलकर ही अपने पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। ऐसे पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। असल में नाइट्रोजन अमीनो एसिड का एक मूलभूत घटक है और अमीनो एसिड प्रोटीन निर्माण का खंड है। इसलिए जिन स्थानों की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ के पौधे अपनी नाइट्रोजन या कहिए प्रोटीन की कमी को मक्खी जैसे कीटों को खाकर पूरा कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो भले ही कुछ पौधे कीट खाकर खुद के लिए ऊर्जा बटोरते हों, लेकिन पेड़ों को ऊर्जा लेने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा देने के लिए जाना जाता है। पेड़ पौधे समस्त जीव जगत को ऊर्जा देते हैं। घास खाने वाले हिरणों से लेकर ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने वाले जिराफ तक का जीवन
पेड़ पौधों पर ही टिका हुआ है। इन जीवों को खाने के लिए ये पेड़ पौधे प्रकृति ने दिए हैं, ये खुद से इन्हें नहीं उगाते, लेकिन ये जीव पेड़ पौधों को उगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाते हैं। फल इत्यादि खाने के बाद उन फलों के बीज पशु पक्षियों के मल के जरिए ही दूर दूर तक फैलते हैं। देखा जाए तो पशु पक्षी जितने पेड़ पौधे नष्ट करते हैं उससे अधिक को उगाने में भी योगदान देते हैं। दूसरी ओर हम इंसान पृथ्वी पर अकेले ऐसे जीव हैं जो केवल और केवल पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। न सिर्फ हमने शहर बनाकर जंगलों को नष्ट किया है बल्कि खेती की जमीन हासिल करने के लिए भी हमने असंख्य पेड़ों को काटा है। इंसानों ने करीब 10,000 साल पहले ही ये जान लिया था कि जमीन में किसी बीज को डालने और नमी देने से वो बीज पौधा बनते हुए अनेकों बीज उत्पन्न करता है। इंसानों की इसी खोज को खेती की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। खेती की शुरुआत ने इंसानों की दुनिया में चमत्कारी परिवर्तन ला दिया। कभी शिकार की तलाश में लगातार भटकते रहने वाला इंसान अब एक ही स्थान पर खेती करके अपना जीवन यापन कर सकता था। खेती मानव तरक्की की एक सुखद शुरुआत थी, किंतु बढ़ती जनसंख्या के साथ हमारी जरूरतें इतनी अधिक बढ़ गई जिन्हें पूरा कर पाने के लिए हमें लगातार खेती की नई जमीन की आवश्यकता पड़ती रही। इसके लिए लगातार जंगलों को काटा गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों के दौरान ही खेती की जमीन के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ एकड़ के जंगली क्षेत्र को लगातार नष्ट किया जाता रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमने लगातार अन्न उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशें भी की हैं, जिस कारण रासायनिक उर्वरक से लेकर खतरनाक कीटनाशकों के छिड़काव तक को हमारी खेती में सम्मिलित किया गया है। कीटनाशकों का काम उन कीटों का खात्मा कर देना होता है जो कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि इन कीटों की उपस्थिति के कारण हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाते, इसलिए कीट हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति में कोई भी निर्माण बेवजह नहीं है। जिन कीटों का हम खात्मा कर देते हैं उन कीटों को ही पक्षियों समेत अनेकों जीव खाकर अपनी भूख मिटाते आए हैं। अब कीट न रहने से इन पक्षियों की भी विलुप्ति होना शुरू हो गई है। शायद आपने भी गौर किया हो कि आजकल न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँवों में भी गौरैया जैसे छोटे पक्षी दिखाई नहीं देते। इसका कारण कुछ लोग मोबाइल टावर के रेडिएशन को मानते हैं, किंतु मेरे अनुसार इसकी असली वजह कीटनाशकों का छिड़काव है। इन कीटनाशकों ने पक्षियों के भोजन यानी कीटों को ही विलुप्त कर दिया, तो भला पक्षी खुद का जीवन कैसे जिए। साथ ही कीट विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी संख्या में कमी आने का सीधा अर्थ पेड़ पौधों की बर्बादी ही है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो इंसानों द्वारा किया गया है वो है वनस्पति विविधताओं को समाप्त करना। दरअसल आज दुनिया भर के 37% स्थलीय भूभाग पर खेती की जा रही है और इसमें भी आधे से अधिक जमीन पर केवल गेहूं, धान और मक्का ही उगाया जा रहा है। हमेशा एक जैसी फसल उगाने से भूमि के अंदर कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये फसलें इन पोषक तत्वों का तेजी से दोहन कर रही हैं, जिस कारण दुनिया भर के कई स्थानों पर भूमि पूर्णतः बंजर होने लगी है। इस बंजर भूमि में फसल उगाने का हमारे पास एक ही तरीका है और वो है अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का छिड़काव। सिंचाई के बाद ये उर्वरक जल में घुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिस कारण जल बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। अनेकों स्थान पर जहां कभी मीठा पानी हुआ करता था वो पानी आज हमारे रसायनों के इस्तेमाल के कारण ही पूरी तरह से खराब हो चुका है। दोस्तों, इंसानों द्वारा अपना जीवन जीने के अब तक जो भी प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों के कारण भले ही हमारी संख्या लगातार बढ़ रही हो, किंतु इंसानों के अतिरिक्त आज सभी जीवों की प्रजातियों की संख्या घटती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमारे द्वारा की गई ये तरक्की खुद हमारे ही विनाश की नींव रख दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।